लॉकडाउन में ग्रामीण परिवेश में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी देविका तोमर की सदारत में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह ध्यान दिया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको लॉकडाउन के दौरान कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कैसे उनका निराकरण किया जाए। तो विशेष रूप से बैठक में एकमात्र जो मुख्य रूप से मुद्दा छाया रहा था वो था खाद्य परिवहन की सामग्री का। ग्रामीण प्रतिनिधि ने साफ कहा कि जब खाद्य परिवहन सामग्री जो इधर से उधर जाती है तो उन्हें पुलिस की ओर से टोका टोकी, प्रशासन की ओर से रोका रोकी होती है, तो उनसे उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनको इस मामले में ध्यान देना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी कहा गया कि जो फूलों की जो पुष्कर फूलों की बड़ी मंडी है, तो गुलाब के जो फूल या दूसरे फूल हैं उनके परिवहन में भी सुविधाएं और रियायतें दी जाए ताकि कारोबार बदस्तूर जारी रहे। तो उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने भी कहा है कि जो भी परिस्थितियां बनेगी लोगों को परिस्थितियों के अनुसार से रियायत दी जाएगी। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारसा, स्वामी न्यूज। पुष्कर के उपखंड कार्यालय में शनिवार को उपखंड अधिकारी देविका तोमर की सदारत में आसपास के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने लॉकडाउन के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। बैठक में तिलोरा सरपंच सरमंदर सिंह रावत, नांद सरपंच विष्णु सिंह राठौड़, देवनगर सरपंच लाली देवी, बासेली सरपंच ओम प्रकाश पंवार, कानस से महेंद्र सिंह रावत ने अपनी पंचायत की समस्याओं के बारे में बताया। बैठक में मुख्य रूप से खाद्य सामग्री के परिवहन का मुद्दा ही छाया रहा। तहसीलदार पंकज बड़गुजर ने बताया कि खाद्य सामग्री के वितरण में कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा बैठक में फूलों के परिवहन में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग की गई। उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने सभी जनप्रतिनिधि से अपील की कि वे अपनी पंचायत में लॉकडाउन की पालना कराएं, साथ ही जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाएं और पंचायत को सैनिटाइज कराएं। विकास अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि सभी बातों का प्रमुखता से ध्यान रखा जा रहा है।